हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक अनदर वीडियो। दोस्तों, आप सभी के बार बार कमेंट आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि सर, जो इंडियन आर्मी जो 14 गोरखा जो प्रशिक्षण केंद्र है, जो 14 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर शिमला रिक्वायरमेंट 2023 का ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरें। बार बार कमेंट आ रहे थे सर, इसका ऑफलाइन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करें, इसका नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करें, सर कितने रुपये की टिकट लगानी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने। तो बार बार स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि सर, इसके रिगार्डिंग प्लीज एक वीडियो बनाएगा, हमारे एडमिट कार्ड आते नहीं है सर, हम क्या मिस्टेक करते हैं, एडमिट कार्ड क्यों नहीं आते। तो इस वीडियो के अंदर आपको सभी डिटेल वगैरह प्रोवाइड करने वाले, तो वीडियो के अंदर बने रहेगा, ए टू जेड आपको जो जानकारी है इस वीडियो के अंदर हम देने वाले हैं। टाइम टू टाइम देख सकते हो दोस्तों, हम आपके लिए नए नए अपडेट लेके आते रहते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे जो आपको फॉर्म फिलअप किया हुआ दिख रहा है, तो इस फॉर्म को हम बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, किस प्रकार से इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ऑफलाइन फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है, स्टेप बाय स्टेप बताने वाले, फॉर्म कहाँ से आपको डाउनलोड करना बिल्कुल फ्री में, और जो डाक टिकट कितने रुपए के लगाते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको साथ में अटेस्टेड करना है, स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री पोर्ट किस प्रकार से करवानी है। तो बने रहेगा ए टू जेड आपको जो जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताना किसी भाई को कोई भी जानकारी वगैरह चाहिए, या फिर जो व्हाट्सएप ग्रुप है नीचे लिंक दे रखा है उसमें भी आप मैसेज कर सकते हैं। हम उसके बारे में भी कोई भी आपको जानकारी वगैरह चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। नीचे जो फेसबुक पेज दे रखा है उसे फॉलो जरूर करें। तो चलते हैं आज के ऑफिशियल अपडेट की ओर। जाने से पहले, सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नीचे टेलीग्राम लिंक का RJ18 अलार्म मिल और उसे जरूर ज्वाइन करना। साइड में बेल आइकन उसे प्रेस जरूर कर देना। दोस्तों, फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें, वहाँ पे टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहते हैं। व्हाट्सअप जो ग्रुप है उसे जरूर फॉलो कर लेना, वहीं पर भी ऑल इंडिया और ऑनलाइन ऑफलाइन रिक्वायरमेंट वैकेंसीज का ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर्म वगैरह PDF वगैरह आपको वहाँ पे टाइम टू टाइम प्रोवाइड होती रहती है। तो चलते हैं आज के ऑफिशियल अपडेट की ओर। जो गोरखा रेजिमेंट सेंटर का ऑफलाइन फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है, स्टेप बाय स्टेप बताने वाले, चलते फॉर्म की ओर। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, अच्छी तरह से जो आज का ऑफिशियल अपडेट देख सकते हो, जो अप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट रहने वाला है जो इस प्रकार से रहने वाला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला, 14 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर जो यहाँ पे देख सकते हो, शिमला हिल की तरफ से वैकेंसी निकली थी, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जिस भी आप पोस्ट अप्लाई करना चाहते हो, वाशरमैन कुक वगैरह कोई भी जो वैकेंसीज को आप अप्लाई करना चाहते हो, सबसे पहले आपको यहाँ पोस्ट डालनी है। फर्स्ट नंबर पर देख सकते हो आपका नेम, जो भी आपका नेम है ऑल फॉर्म को आपको कैपिटल लेटर में अप्लाई करना है। दो नंबर पर देख सकते हो दोस्तों, फादर्स नेम आपका XYZ कोई भी हो, DOB आपकी XYZ कोई भी हो, आपको यहाँ पे डालना है। नेशनलिटी में यहाँ पे इंडियन डालना है, और यहाँ पे जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, SC ST OBC जनरल कोई सी भी आपकी कैटेगरी, तो यहाँ पे कैटेगरी मेंशन करनी है। इसके बाद आपकी जो मतलब कि यहाँ पे देख सकते हो फोटो, इसको सेल्फ अटेस्टेड करनी है, यहाँ पे फोटो लगा के आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है, कोई भी एड्रेस हो, यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, विलेज डिस्ट्रिक्ट वगैरह, तहसील स्टेट कौन से, पिन कोड नंबर वगैरह सहित आपको यहाँ पे मेंशन करना है। यदि आपका एड्रेस परमानेंट है यानी कि इस प्रकार सेम है तो आपको यहाँ पे डू करना है, अदरवाइज जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पे फिलअप करना है। 8 नंबर पे देख सकते हो आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी आपने क्वालिफिकेशन कर रखी है 10th 12th जिसे फॉर्म अप्लाई कर रहे हो वो आपको मेंशन करनी है। 9 नंबर पे आप देख सकते हो दोस्तों, यदि आपके पास कोई भी अदर टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो यस कर देना, अदरवाइज नो करना है। 10 नंबर पे देख सकते हो जो प्रीवियस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यदि आपके पास कितने ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो यस, अदरवाइज आप नो कर देना, कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, 11 नंबर पे एम्प्लॉयमेंट में आपका जो यानी कि एक्सचेंज यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो यस कर देना, अदरवाइज आपको नो करना है। 12 नंबर पे देख सकते हो लिस्ट ऑफ इनक्लोजर, यानी कि यहाँ पे आपको क्या फिलिप करना है, जो लिस्ट कौन सी लिस्ट करनी है, जिस यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, आपको जो मतलब कि साथ में आप जो भी डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हो उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे लगानी है। फर्स्ट नंबर पे
टेंथ की मार्कशीट भेज रहे हो, ट्वेल्थ की मार्कशीट भेज रहे हो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भेज रहे हो, आधार कार्ड भेज रहे हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भेज रहे हो, कास्ट सर्टिफिकेट भेज रहे हो, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। 13 नंबर पे देख सकते हो जो भी आपके मोबाइल नंबर XYZ, यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। इसके बाद देख सकते हो दोस्तों, आपको इस डिक्लेरेशन को अच्छी तरह से आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आपके जो मोबाइल यहाँ पे जो डेट डालनी है यहाँ पे पहले, इसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह मेंशन करने हैं, तो डिक्लेरेशन को अच्छे। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। ये देख सकते हो दोस्तों, जो फॉर्म का नेक्स्ट पार्ट रहने वाला है, जो सेकेंड जो पार्ट रहने वाला है, यहाँ पे 2 नंबर पेज पे देख सकते हो, जो 14 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर शिमला हिल्स की तरफ से जो एडमिट कार्ड आपके घर पे आने वाला है, यहाँ पे जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर द इनवाइटेड, यहाँ पे देख सकते हो सभी डिटेल वगैरह। यहाँ पे जो नेम है आपका, जो भी नेम है यहाँ पे मेंशन करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर कोई आपको यहाँ पे मेंशन नहीं करना है, डेट डेट ऑफ टेस्ट यहाँ पे भी आपको कोई यानी कि नहीं लिखना है, डेट ऑफ टेस्ट टाइम ऑफ टेस्ट यानी कि यहाँ पे भी कुछ भी नहीं। 6 नंबर पे प्लेस, कौन सा प्लेस है वो भी आपको यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। फोटो को सेल्फ अटेस्टेड करनी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑफिशियल यूज है, ऑफिस वाले आपको करेंगे। चलते हैं अगले स्टेप की ओर। इसके बाद देख सकते हो दोस्तों, जो आपका सेल्फ जो एड्रेस है, इस प्रकार से टूल लगा के आपका खुद का एड्रेस डालना है जो छोटे वाले लिफाफे पे। इसके बाद इस पे आपको टिकट वगैरह लगानी है दोस्तों। आपको यहाँ पे 2500 रुपये की जो 25 रुपये की टिकट यहाँ पे मेंशन करनी है, और उसको यहाँ पे एड्रेस लिख के 25 रुपये टिकट लगा के, जो सेल्फ एम्प्लॉय है आपका, जो इस फॉर्म के आपके सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि मैं बता देता हूँ, डॉक्यूमेंट्स आपके फर्स्ट पे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पैन कार्ड वगैरह की प्रतिलिपि एक्सपीरियंस हो, तो आपको सभी को सेल्फ अटेस्टेड करने डॉक्यूमेंट्स को, इसके साथ स्टेपलर लगा के फॉर्म के उसको फोल्ड करके 25 रुपये टिकट लगा के आपको जो मेन लिफाफा है उसमें आपको डालना। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जो फॉर्म का मेन लिफाफा है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे पोस्ट लिखनी है, कौन सी कैटेगरी आपकी, यहाँ पे कौन सा स्टेट है, मेल फीमेल, योग्यता आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। इसके बाद आपका जो नेम है, फादर्स नेम, विलेज, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान, मोबाइल नंबर, पिन कोड वगैरह यहाँ पे डालना है। उसके बाद है कमांडिंग, यहाँ पे जो आपका एड्रेस यहाँ पे भी आप जो फॉर्म को भेज रहे हो, द कमांडेंट 14 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर जो यहाँ पे शिमला हिल्स तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट सोलन HP हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे पिन कोड वगैरह सभी दे रखें। ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स फोल्ड करके इसमें डाल के आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से भेजना है। बात कर लेते हैं दोस्तों, आपको जो फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है। फॉर्म आपको जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पर नीचे लिंक दे रखी है, वहाँ पे आपको जो फॉर्म है वो प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। नोटिफिकेशन भी आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, या फिर फेसबुक पेज पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पे फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लें, आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा। तो थैंक यू दोस्तों, लव यू गाइस, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने और अपनों का ख्याल रखना। धन्यवाद, लव यू गाइस।